तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 150 यानी धारा 150 के बारे में। इसमें क्या होता है तो दोस्तों, इसमें आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति जो है वो मान लो भाड़े के लोगों को लेकर के जाता है कहीं, मान लो किसी अपराध के लिए वो करने को बुलाता है, मान लो चार पांच लोग या उसके यार दोस्त हो गए, या मान लो भाड़े पर अगर उसने बुलाए मान लो कुछ पैसे दे करके कि भाई यहाँ पर आ जाना, इस काम के लिए हमको जाना है, इस तरीके का हमको जो है वो काम करना है, किसी को मारने के लिए जाना है। जैसे यार दोस्त जो रहते हैं वो बोल देते हैं भाई तेरी कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे गाँव में या सिटी में जिस तरीके से आपने देखा हो ग्रुप बन के रहता है उनका, तो वो बोल देते भाई तेरे कहीं झगड़ा हो जाए या इस तरीके का कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो जाए तो मुझे बता देना, हम लोग आज जो है वो आ जाएंगे, इस तरीके अगर कुछ काम होता है तेरे साथ में, कोई भी दिक्कत होती तो हमें बता देना, हम तेरे साथ खड़े हुए हैं, इस तरीके वो जो है वो बोल देते हैं। अगर मान लो उसका कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया आस पड़ोस में या कहीं पर भी, तो वो जो है वो ग्रुप बना करके पांच या पांच से ज्यादा लोग जिस तरीके से पहुंचे, मान लो कितने भी ज्यादा लोग रहे हो, पांच से दस हुए हो, बीस हुए हो, लाख हुए हो, दस लाख हुए हो, कितने भी रहे हो, बस वो जो है पांच से ऊपर के जिस तरीके उनका ग्रुप बन जाता है, वो जाते हैं मान लो अगर वो भाड़े पर बुलाता है पांच दस पचास लोग जितने भी वो बुलाता है, वो अपराध करने के लिए जाता है, मान लो अगर किसी को मारने के लिए जा रहा है, किसी का झगड़ा हो गया, वो सारे लोग जो है उसको जाकर के मारते हैं, इस तरीके कुछ मान लो रेप के लिए या बलात्कार के लिए अगर मान लो कुछ भी लोग होते हैं जिस तरीके से वो बुला लेता है, एक व्यक्ति जो रहता है ज्यादा जैसे फ्रेंड सर्कल है उसने बुला लिया भाई ऐसे वहां पर चलना है, वो सारे लोग जो है वो अपराध करने के लिए चले जाते हैं, चाहे वो रेप को लेकर बलात्कार को लेकर के, चाहे वो मारपीट को लेकर, अगर किसी भी अपराध में जो है वो जाते हैं, अगर मान लो मारने के लिए जाते हैं और वो व्यक्ति जो है वो मर जाता है, मान लो कोई भी उसमें से जो है वो मार देता है, इस तरीके कुछ काम करता है, वो जो व्यक्ति है जो लेकर के जाता है भले उसने जो है बलात्कार नहीं किया हो, और जो उसके साथ में जिन लोगों को उसने बुलाया अगर उन्होंने बलात्कार किया या उन लोगों ने मारा है, सामने वाले व्यक्ति ने जो बस उनको बुलाया था एक तरीके से लड़ाई झगड़े मारपीट के लिए, तो इस तरीके जो काम रहता है उस पर धारा 150 लगाई जाती है। मान लो अगर जैसे अगर सामने वाला व्यक्ति जो है वो कहता है मैंने बस उसको एक तरीके से बुलाया था हाथ पैर तोड़ने के लिए सामने वाले को, पर उन्होंने जाके जो है वो सामने जो व्यक्ति थे उन्होंने जाकर के उसको मार दिया मार डाला, तो वो इस तरीके को बोलता है, तो उस पर कुछ अलग सजा नहीं होगी, उसको भी वही सजा होगी, क्योंकि उसने जो है वो सबसे बड़ा अपराध ये किया है कि उनने ऐसे व्यक्ति को जो है वो बुलाया जो कि उसको जाके मार देते हैं, इस तरीके अगर उसने कुछ काम किया तो वो जो है उस अपराध में बराबर का हकदार माना जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा अगर वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो बुलाता ही नहीं तो शायद वो व्यक्ति जो है वो बच जाता, उसकी जान नहीं जाती, अगर उसने बुलाया है तभी वो एक तरीके से कह सकते उसकी जो है वो जान गई, अगर वो व्यक्ति जो है वो बुलाता ही नहीं किसी को अगर तरीके ग्रुप में अपने फ्रेंड को या भाड़ी पे अगर नहीं बुलाता तो शायद सामने वाला जो व्यक्ति है वो शायद बच जाता, अगर इस तरीके का काम किया है उसने तो जो है वो अपराध में भी बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा, तो उसको भी सेम ही सजा होगी। ये चीज है वो धारा 150 में बताई गई कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का काम करता है मान लो रेप के लिए किसी को भी बुलाता है तो वो जो अपराध करते हैं जिस तरीके से उन्होंने ग्रुप में जितने लोग बुलाए मान लो उनके फ्रेंड और भाड़े बुलाए हों तो इस तरीके अगर वो जाके कोई अपराध करते हैं तो वो जो व्यक्ति जिसने बुलाया वो भी उसमें बराबर का हकदार होगा, उसको भी वही सजा मिलेगी जो बाकी के भी जो व्यक्ति हैं उनको जो सजा मिलेगी उसको भी वही सेम सजा मिलेगी। तो ये रहता है दोस्तों धारा 150 से। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट कर जरूर बता देना, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।